यहाँ नई नई योजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं। सरकारी योजनाओं के अलावा ग्राम पंचायत स्वयं की 17 योजनाएं चलाती है। इन सब के पीछे जिन महिला का प्रयास और मेहनत लगी हुई है वो है यहाँ की सरपंच अन्नपूर्णा देहुरी, जिनकी जन सेवा की सफलता की कहानी ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदर्शित हुई है। उनके त्याग, निष्ठा और समर्पण की भावना के कारण 2007 से लेकर 2022 तक वह लगातार 4 बार सरपंच के रूप में चुनी गई हैं। अन्नपूर्णा के चुनकर आने से पहले पंचायत की राजस्व आमदनी थी 1,34,000 रुपए। विभिन्न प्रयत्नों से 2018-19 तक 34 लाख हो गई। पंचायत के सुप्रसिद्ध देवी पीठ माता तारिणी के मंदिर के समीप पार्किंग स्थल निर्धारित करने के साथ साथ शुल्क वसूली के लिए स्थानीय युवकों को नियोजित किया गया है। स्थानीय व्यापारियों के लिए 2 वेंडिंग जोन में 51 दुकानें बनाकर मासिक किराए पर दिया गया है। पंचायत की 7 जगहों पर स्थित 147 दुकानों को किराए पर दिया गया है। इनमें से 11 दुकानें महिला स्वयं सहायता गुटों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए दी गई हैं। तारिणी माता के मंदिर के निकट स्थित गेस्ट हाउस की हालत बेहद खराब थी। सरपंच के हस्तक्षेप के बाद पर्यटन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किए जाने के बाद उससे भी पंचायत की आमदनी में कुछ वृद्धि हुई है। मो भरोसा योजना के तहत गरीब परिवार के मरीजों को लाने ले जाने और इलाज के खर्च के लिए 5,000 रुपए की त्वरित चिकित्सा सहायता राशि प्रदान की जा रही है। प्राकृतिक आपदा से आंशिक रूप से घर क्षतिग्रस्त होने पर मो सहारा योजना के तहत 2,000 रुपए की सहायता राशि उस परिवार को तुरंत दी जाती है। मो शिक्षा योजना के अंतर्गत पंचायत के सभी विद्यार्थियों को स्कूल बैग, छाता, पानी की बोतल और पाठ्य उपकरण दिए जाते हैं। यहाँ बच्चों को निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा दी जा रही है। कन्यादान योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए से 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता के साथ साथ एक साड़ी और बक्सा पंचायत की ओर से उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। शिशु और मातृ मृत्यु रोकने के लिए यशोदा योजना के अंतर्गत माँ और बच्चे की देखभाल के लिए 700 रुपए की बेबी किट दी जा रही है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने, पुरुष और महिलाओं के अनुपात में समानता बनाए रखने के लिए यहाँ चलाई जा रही है कन्या रत्न योजना। इस योजना के अंतर्गत लड़की पैदा होने पर पंचायत की ओर से बेटी के नाम पर एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने के लिए परिवार के लोगों को सलाह दी जाती है। निस्सहाय, अनाथ और प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरपंच रिलीफ फंड बनाया गया है। सरपंच रिलीफ फंड की ओर से ऑटो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के दिन ऑफिस की छुट्टी होने के बावजूद गांव में खोली गई मिनी पंचायत ऑफिस में एसएसजी दलों के खातों की जांच कर ऋण के लेन देन के विषय में चर्चा की जाती है। पंचायत में अनपढ़ लोगों को लिखना पढ़ना सिखाने के उद्देश्य से पंचायत में आमे साक्षर कार्यक्रम, 24 घंटे बैंकिंग लेन देन प्रक्रिया, 11 सदस्यों के विचार दरबार और हर शनिवार को निशुल्क कानूनी सलाह शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत कार्यालय में एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चलाया जा रहा है। सबुठारु अधिक खुशी लागे मते मो पंचायत रे जो 17 जन अनाथ शिशु थिले तांको पोष्य संतान भाबर ग्रहण करी तांकर समस्त प्रकार दायित्व आमे बुझुछु। समर्पण भावना, निस्वार्थ सेवा और लोगों के सहयोग के कारण पंचायती राज व्यवस्था के सफल प्रयोग के साथ गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत के गठन में इस महिला सरपंच के नेतृत्व में मुकुंदपुर पटना ग्राम पंचायत आज सारे देश के लिए बनी है एक प्रेरणा स्रोत।